दोस्तों पिछले मंथ मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाई थी और उस फंड में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा कि SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप को आपने क्यों नहीं कवर करा। तो इस वीडियो में मैं 7 स्मॉल कैप को एक दूसरे से कंपेयर करने वाला हूं, जिसमें से SBI स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप इन दोनों फंड को भी इन वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको मालूम चलेगा कि इन 7 में सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आप खुद से डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा फंड बेटर है इस कैटेगरी में, इट मींस स्मॉल कैप में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम रिटर्न से शुरू करते हैं। तो पहले हम 6 मंथ का रिटर्न देखते हैं। तो कोटक स्मॉल कैप फंड ने 15% का रिटर्न्स दिया है, एक्सिस ने 20% का रिटर्न्स दिया है, निपॉन ने 23% का रिटर्न्स दिया है, टाटा स्मॉल कैप ने 16% का रिटर्न्स दिया है, क्वांट ने 35% का रिटर्न्स दिया है, और SBI स्मॉल कैप फंड ने 15% का रिटर्न्स दिया है, और HDFC स्मॉल कैप फंड ने 22% का रिटर्न्स दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि SBI और टाटा स्मॉल कैप फंड और यहाँ पे कोटक ने लास्ट 6 मंथ में कम रिटर्न्स दिया है। सबसे ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे निपॉन और क्वांट ने निकाल के दिया है, और एक्सिस का भी रिटर्न्स देख सकते हैं 20% से ज़्यादा है। अब हम देखते हैं 1 ईयर का। तो कोटक ने यहाँ पे रिटर्न्स दिया है 37% का, एक्सिस ने 40% का रिटर्न्स दिया है, निपॉन ने 56% का रिटर्न्स दिया, टाटा ने 40% का रिटर्न्स दिया है, क्वांट ने 67% का रिटर्न्स दिया है, SBI ने देख सकते हो SBI स्मॉल कैप फंड 34% का रिटर्न्स दिया है, और HDFC स्मॉल कैप फंड ने 51% का रिटर्न्स दिया है। तो देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में भी SBI स्मॉल कैप फंड जो है इन सारे जो पीयर है उनसे कम रिटर्न्स दिया, 34% रिटर्न्स दिया है, और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे देख सकते हैं कि निपॉन और यहाँ पे क्वांट ने निकाल के दिया है। लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको मालूम चलेगा कि अगर कोई फंड आपको ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के दे रहा है तो कितना रिस्क ले रहा है। रिस्क भी देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग रिस्क नहीं देखते हैं और जाके इन्वेस्ट कर देते हैं 6 मंथ और 1 ईयर का रिटर्न्स देख के। तो रिटर्न्स देख के आपको पूरा जज नहीं करना चाहिए, और भी पैरामीटर है उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 3 ईयर्स का देखते हैं। तो कोटक ने 27% का रिटर्न्स दिया है, और एक्सिस ने 30% का रिटर्न्स दिया, निपॉन इंडिया 38% का रिटर्न्स दिया है, टाटा स्मॉल कैप फंड 35% का रिटर्न्स दिया है, क्वांट ने 47% का रिटर्न्स दिया, SBI देख सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स में भी 26% का रिटर्न्स दिया है, और HDFC स्मॉल कैप फंड 34% का रिटर्न्स दिया है। तो 3 ईयर्स में निपॉन यहां पे शानदार रिटर्न्स निकाल के दे रहा है, और टाटा ने भी शानदार रिटर्न्स दिया है, एक्सिस ने भी रिटर्न्स अच्छा दिया है, और क्वांट ने भी अच्छा रिटर्न्स निकाल के दिया है। लेकिन SBI स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स में 26% का रिटर्न्स दिया है। देखते जाइए 5 ईयर्स का देखें तो कोटक ने 29% का रिटर्न्स दिया है, एक्सिस ने 29% का रिटर्न्स दिया है, निपॉन इंडिया ने 32% का रिटर्न्स दिया है, टाटा स्मॉल कैप फंड 29% का रिटर्न्स दिया है, क्वांट 39, SBI स्मॉल कैप फंड 27 और HDFC स्मॉल कैप फंड 25%। तो देख सकते हैं कि लास्ट 3 और 5 ईयर्स में SBI स्मॉल कैप फंड अपने पीयर से ज्यादा रिटर्न्स निकाल के नहीं दे रहा है। देख सकते हैं कि 4-5% कम ही रिटर्न्स निकाल के दे रहा है अपने पीयर से। तो 4-5% कम रिटर्न्स दे रहा है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ज्यादा है और लंबे समय के लिए आपने इन्वेस्ट कर लिया और उसमें 4-5% का भी वेरिएंस आएगा, तो मालूम है ना कि रिटर्न्स आपका कहाँ मिलेगा, समझ रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग अभी फीस भी देखेंगे, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। तो पहले पैरामीटर आपने देख लिया कि इसमें SBI और HDFC का अगर हम रिटर्न्स देखें, HDFC का तो चलो सोसो है, लेकिन SBI का यहाँ पे रिटर्न्स मुझे पर्सनली कम लग रहा है। अभी मार्केट में रैली देखने को मिल रही है और यहाँ पे कम रिटर्न्स निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पे एक्सिस, निपॉन, टाटा, क्वांट हालांकि थोड़ा हाई बीटा है, तो देख सकते हैं कि ये फंड जो है बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। अब हम देखते हैं फंड साइज। तो कोटक स्मॉल कैप फंड का अभी AUM है 14,082 करोड़, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है 19,531 करोड़, और निपॉन इंडिया का है 45,894 करोड़। निपॉन इंडिया में थोड़ा देख सकते हैं कि फंड बढ़ रहा है। टाटा स्मॉल कैप फंड का है 5,819 करोड़, क्वांट का है 15,664 करोड़, SBI स्मॉल कैप फंड का फंड साइज है 24,864 करोड़, और HDFC स्मॉल कैप फंड का है 28,607 करोड़। तो AUM के हिसाब से देखें तो देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया का AUM थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो अगर थोड़ा फंड ज्यादा बढ़ने लगता है, और अभी देख सकते हैं कि
स्मॉल कैप में रैली भी देखने को मिल रही है, तो जो एक ड्राइवर है, फंड मैनेजर है, उसको थोड़ा सा टेंशन होने लगती है कि यार अभी मार्केट जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है और जो स्मॉल कैप और मिड कैप वाले जो स्टॉक है उनका वैल्यूएशन भी रिच हो गया है, तो उसको थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। तो इन सारे स्कीम का जो फंड है एक्सेप्टेबल है, थोड़ा सा निपोन इंडिया का ज्यादा है, राइट, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि निपोन इंडिया यहाँ पे लमसम लेना बंद भी कर दिया है। वहीं पे अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें, पैसा देखना बहुत जरूरी है, तो कोटक स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.43% और एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है 0.55%, निपोन इंडिया का है 0.67%, टाटा स्मॉल कैप फंड का है 0.32% और क्वांट स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.77%, एसबीआई स्मॉल कैप फंड का है 0.67% और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का है 0.72%। तो देखिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो 0.67% है और लास्ट 5 इयर्स, 3 इयर्स और 1 ईयर और 6 मंथ में भी अपने पीयर वाले जो फंड है उनको बीट नहीं किया है और फीस भी ज्यादा ले रहा है। टाटा का भी देख सकते हैं, इसका भी रिटर्न अच्छा था और एसबीआई से कम यहाँ पे पैसा ले रहा है। एक्सिस भी बेहतरीन फंड है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी एक्सपेंस रेशियो कम है, 0.55 है और कोटक का भी देख सकते हैं, देखा आपने। तो जब भी आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें तो एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न्स, अल्फा, स्टैंडर्ड डेविएशन, टॉप 10 होल्डिंग, एलोकेशन, ये सब देखना है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं एग्जिट लोड। तो सारे फंड में 1% आपको पेनल्टी लगती है अगर आप इस फंड को बंद करते हैं विद इन ईयर, राइट। लॉक इन की बात करें तो इन 7 स्कीम्स में कुछ भी लॉक इन नहीं है, आप कभी भी इन फंड से रिडीम कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं म्यूचुअल फंड में SIP कर रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अभी एवरेज देखा गया है कि एक रिटेल इन्वेस्टर जो है 1 से 2 साल तक मैक्स टू मैक्स ज्यादा अभी इन्वेस्ट कर रहा है। तो SIP कर रहे हैं और 1-2 साल के लिए आप SIP कर रहे हैं तो कितना पैसा बना लेंगे, नहीं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में पैसा बनाना है आपको, पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है लॉन्ग टर्म में। 1 साल 2 साल 3 साल आप SIP करेंगे समझ में नहीं आएगा, 5 साल से धीरे धीरे समझ में आने लगता है, 10 साल में समझ में आता है और 10 साल के बाद 5 साल और होल्ड करेंगे तो आपका पैसा मालूम है कैसे होगा, अभी यहां पे है ना, 5 साल और होल्ड करेंगे तो ऐसे होगा, समझ रहे हैं। तो SIP कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए करिए और समय दीजिए और नॉइज से दूर रहिए। आगे बढ़ते हैं हम, अब हम देखते हैं बेंचमार्क। तो इन सारे स्कीम्स का जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। अब हम देखते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो कोटक स्मॉल कैप फंड में अगर आपको SIP करना है तो मिनिमम 1000 रुपया लगेगा, वहीं पर लमसम करना है तो 5000 से आप लमसम कर सकते हैं। एक्सिस में 100 से आप SIP कर सकते हैं और 100 से लमसम भी कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम निपोन इंडिया की बात करें तो इसमें आप 100 रुपये से SIP कर सकते हैं और लमसम लेना इसने बंद कर दिया है, तो ये अच्छा भी है क्योंकि बहुत सारे जो फंड है जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन रिच हो जाता है और उनको समझ में नहीं आता है यार कि पैसा कहाँ मैनेज करें। तो मार्केट का जिस तरह से सेंटिमेंट रहता है, जो ड्राइवर होता है, जो फंड मैनेजर होता है, वो लमसम लेना बंद कर देता है, तो ये सही भी होता है। वहीं पर अगर हम टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 100 से आप SIP कर सकते हैं और इन्होंने भी लमसम लेना बंद कर दिया है। क्वांट की बात करें तो मिनिमम 1000 से आप SIP कर सकते हैं, लमसम करना है तो मिनिमम 5000 से आप लमसम कर सकते हैं। SBI स्मॉल कैप फंड की बात करें 500 से आप SIP कर सकते हैं और इन्होंने भी लमसम लेना बंद कर दिया है। HDFC स्मॉल कैप का देखें 100 रुपये से आप SIP कर सकते हैं और लमसम करना है तो 100 रुपये से लमसम भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मुझे लमसम करना है, तो लमसम करना है तो इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है लमसम करने के लिए। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर रहे तो उस समय लमसम नहीं करना चाहिए, मार्केट का वैल्यूएशन देखना है, निफ्टी का PE देखना है, सब कुछ मैंने सिखाया है कि अगर आपको लमसम करना है तो किस तरह से लमसम करना चाहिए। वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में या इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि जाकर टॉप पे लमसम करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा और फिर अगले साल लॉस होगा। तो लमसम करने की सोच रहे हैं तो मार्केट का सेंटिमेंट देखना बहुत जरूरी है। एक बार हम वैल्यूएशन देख लेते हैं जल्दी से, तो कोटक स्मॉल कैप का PE देखें 22.70 है, एक्सिस स्मॉल कैप का PE 24.37 है, निपोन इंडिया का 23.39 है और टाटा स्मॉल कैप फंड का 24 है, क्वांट स्मॉल कैप फंड का 24 PE के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, SBI स्मॉल कैप फंड 31 देख सकते हो, वैल्यूएशन के हिसाब से भी मांगा है और HDFC स्मॉल कैप फंड का अभी PE 20.40 है, देख सकते हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से HDFC स्मॉल कैप फंड का जो AUM है अभी सस्ता मिल रहा है। एक बार हम लोग सेक्टर देख लेते हैं, तो कोटक स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स में कर रखा है, उसके बाद से मटेरियल्स, देन कंज्यूमर। इसका देखें
तो इन्होंने सबसे ज्यादा फाइनेंशियल में वेटेज ले रखा है, देन हेल्थ केयर, उसके बाद से आईटी में एक्सपोजर लिया है। निपॉन इंडिया की बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपोजर कैपिटल गुड्स में लिया है, देन फाइनेंशियल, उसके बाद से सर्विसेज में। टाटा की बात करें तो इन्होंने भी सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल में लिया है, उसके बाद से सर्विसेज और उसके बाद से कैपिटल गुड्स। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा एनर्जी में लिया है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एनर्जी सेक्टर अच्छा करने वाला है और गवर्नमेंट का भी फोकस है। दूसरा सेक्टर इनका फाइनेंशियल है और तीसरा इन्होंने सबसे ज्यादा वेटेज सर्विसेज में लिया है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा वेटेज सर्विसेज में लिया है, देन कंज्यूमर, उसके बाद से कैपिटल गुड्स में। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इन्होंने भी सर्विसेज में ज्यादा वेटेज लिया है, उसके बाद से कैपिटल गुड्स और देन फाइनेंशियल। तो सेक्टर देख सकते हैं आप, और जब भी मैं आपको बोलता हूं कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सेक्टर आपको जरूर देखना चाहिए। टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो देख सकते हैं कि 7 स्कीम की जो यहां पे टॉप 5 होल्डिंग है ग्रेट है, क्योंकि जो भी फंड मैनेजर होता है वो अपने स्किल के हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। अब हम देखते हैं रिस्क, कितना रिस्क लेके पैसा बना रहे हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार हम लोग जल्दी से स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं, तो कोटक का है 14.74, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है 12.22, निपॉन इंडिया का है 15.67, टाटा का है 14.90, क्वांट स्मॉल कैप फंड का है 20.24, एसबीआई का है 12.40 और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का है 16.21। तो जिस भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है थोड़ा उसको रिस्की समझा जाता है। तो इन 7 स्कीम्स को अगर हम कंपेयर करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे ज्यादा है, थोड़ा सा ये रिस्की है। देख सकते हैं थोड़ा रिस्क, जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड रहता ही है। वहीं पे अगर हम बीटा देखें तो जिस भी फंड का बीटा वैल्यू 1 से ज्यादा होता है उसको थोड़ा ज्यादा रिस्की माना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांट का यहाँ पे बीटा वैल्यू 1 से ज्यादा है और सारे स्कीम का देखें हम तो बीटा 1 से कम ही है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांट वाला ये जो फंड है काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड आपने सुना ही होगा कि जितना रिस्क लोगे भैया उतना रिवॉर्ड भी आपको मिलता है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड आपको बेहतरीन रिटर्न निकाल के देता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा लेता है। कैसे मालूम चल रहा है आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा से। अब हम देखते हैं अल्फा, अगर किसी भी फंड की अल्फा वैल्यू ज्यादा होगी तो समझ लो कि वो अपने बेंचमार्क से आपको बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के देगा। तो कोटक का है 4.17, एक्सिस का है 7.98 और निपॉन इंडिया का है, टाटा का है 9.62 और क्वांट का है 11.17, एसबीआई का है 4.35 और एचडीएफसी का है 6.54। तो देख सकते हैं कि SBI स्मॉल कैप फंड और HDFC स्मॉल कैप फंड का यहाँ पे रिटर्न्स भी कम है और यहाँ पे अल्फा वैल्यू भी कम है, तो ये अपने बेंचमार्क से आपको कम रिटर्न्स निकाल के देगा। तो इन 7 स्कीम्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 7 स्कीम में आपको सबसे बेटर कौन लगा। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो मुझे एक्सिस स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड और क्वांट, अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, यंग हैं और आपका SIP का अमाउंट कम है तो क्वांट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कोटक स्मॉल कैप फंड, ये पांचों ही फंड मुझे पसंद है। इन पांचों में से किसी भी फंड को सेलेक्ट करके आप SIP कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है, तभी आपको इन सारे स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10,000 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो 2,000 क्वांट में डाल देंगे, 2,000 टाटा में डाल देंगे, 2,000 निपॉन इंडिया में डाल देंगे, 2,000 एक्सिस में डाल देंगे और 2,000 कोटक स्मॉल कैप फंड में डालेंगे। नहीं, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। आप जब भी किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सेम कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा बताइए? ओवरलैपिंग होती है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है तो 2-3 फंड सेलेक्ट कर लीजिए अपने गोल के हिसाब से और कुछ लार्ज में, कुछ मिड में, कुछ स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 7 स्कीम में कौन सी स्कीम आपको बेटर लगी। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम ID है अनिल इनसाइट्स, वहाँ पे भी मैं बेहतरीन ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूँ, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, थैंक यू।